ऋषि हुआ इमोशनल। नीरव ने अपनाया पारो को। पारो हमारी पोती है, हमारी अपनी पोती है पारो को। घरवाले हुए शॉक। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। भाई नीलम को सच पता चल ही गया कि पारो ऋषि और लक्ष्मी की ही बेटी है। असल में नीलम ने लक्ष्मी को जेल से छुड़वा दिया। ऐसे में सभी घरवाले यानी कि मलिष्का, करिश्मा बुआ कर रहे हैं नीलम से सवाल कि आखिरकार उसने ऐसा किया तो क्यों किया। और ऐसे में नीलम ने सबके सवालों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। हमें पता था कि केस वापस लेंगे तो हमारे ऊपर सवाल की सबूतों के साथ बात कर रही है। ऋषि को तो बस एहसास ही था कि पारो उसकी बेटी है, लेकिन नीलम ने ये कंफर्म कर दिया। और ये बात सुनकर खुशी के आंसू बहाने लगा ऋषि। और देखिए हो गया है कितना इमोशनल। माँ के गले लगकर बिलक बिलक कर ऋषि रो रहा है। जी हम हैं, तुम नहीं। हम सिर्फ जज्बात में बैठकर कोई फैसला नहीं लेते। हम अपनी दिल की सुनते जरूर है, लेकिन फैसला दिमाग से लेते हैं। बिना सबूत के किसी बात पर बिलीव नहीं करते हम। सबूत पारो के लिए सबूत यार। हाँ, पारो का ऐसा बहुत 10 बार ही बता दिया कि पारो से प्यार तो देखो सबको हो ही गया है ऑफिशियली। अगर वो कहीं पर डिज़र्व कर दिया आना, और अगर वो ऋषि की बेटी है और लक्ष्मी की बेटी है और वो खो ही हुई है और उसको बाप का प्यार नहीं मिला है 6-7 साल तक, तो वो प्यार दिलाना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फैमिली की ही थी। तो अब वो मिलेगा और ओ, ये देखो डैड क्या कर गए आपके साथ।
कैप देख तो सही, इसके चश्मे पे नाम देख। गुड मॉर्निंग, आज गुड मॉर्निंग बोल रही है। हाँ गुड, अबे गुड आफ्टरनून हो गया है। हाँ पारो मेरी बेटी है ऑफिशियली। हाँ अब थैंक्स टू हिम, इसने किया जो किया है, खुश हो रहा। पर हाँ यार पता, ये हो गया हमारे सेट पे बच्चे तो भी कल हम पता नहीं किससे, कल मैं और शायद मुनीरा बात करते, कोई बात करते कि जब से छोटे बच्चे आ गए ना हमारे सेट पे माहौल ही चेंज हो गया सेट का। हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग की आपस में कोई लड़ाइयाँ चल रही थी, हम लोग खुशी थे आपस में, बट ये एक बहुत ही डिफरेंट है। बहुत मिस कर रही थी तो हमें, हम दोनों को छोटा बच्चा बनना पड़ता था उन्हें खिलाने के लिए। हम तंग आ गए थे बच्चा बन बन के, हमारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा था ऑफ कोर्स। और मेरे को इनफैक्ट जब ये एक्ट कर रहा था मेरे को रोना आ रहा था। क्या चल रहा था मुझे खुद नहीं पता, वो आज बहुत टाइम के बाद ऐसा सीन परफॉर्म किया जहाँ पे मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था मेरे अंदर क्या चल रहा है, बस वो होता गया अपने आप और टचवुड अच्छा निकल गया। कितने लंबी फाइट हो गई अगर आप शूट वाइज भी देखें तो, कम से कम 2-2.5 महीने की फाइट है ये जो यहाँ पर आके कुछ हद तक कम्प्लीट हो रही है। वहाँ दूसरी तरफ लक्ष्मी भी खुश है क्योंकि नीलम ने उसे जेल से बरी जो करवा दिया है, लेकिन अब तक इस बात से लक्ष्मी अनजान है कि नीलम को सच का पता चल चुका है। तभी वहाँ पर पहुँचता है ऋषि, लेकिन पता चलता है कि पारो को स्कूल में कुछ हो गया है। ऐसे में ऋषि और लक्ष्मी दोनों स्कूल की ओर भागे चले जाते हैं। क्या हुआ क्या पारो को? हुआ क्या? आप कह रहे कि उसे मेरी जरूरत है, आप जल्दी फॉरन स्कूल आइए। क्या हुआ क्या पारो, ठीक है ना? हेलो, क्या हुआ पारो को? मुझसे बात करो। फोन कर, वो उनका फोन है टीचर का पारो के स्कूल से, वो कह रही कि फॉरन स्कूल आ जाइए पारो, प्रॉब्लम है। हां चलो। ये किसने कर दिया? अब आप ऑफिशियली एक ओबेरॉय हो, अब आप पारो ओबेरॉय हो गए हो। कैसा लग रहा है बाजवा से ओबेरॉय तक का ये सफ़र, कैसा रहा आपका? बीबी अभी ना ऐसे रिपोर्ट्स आ गई कि पारो ऋषि की ही बेटी है, तो जब आपको पता चल जाएगा तो आप कितने खुश होगे? आप क्या कैसे करोगे? आपके डैड रियल में आपके डैड है, ये बताओ सबको। आपको अच्छा लगेगा ना बहुत? हाँ। फिर आप डैड के साथ खेलोगे भी आराम से। पहले आप देखो त्रिशा ने जो चश्मा पहना हुआ है उस पर त्रिशा का नाम लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। नहीं पहने रखो बीबी, ये देखो, कोई मामूली इंसान नहीं है ये। तुम क्या सोच रहे थे एक छोटा सा के हमारे पास का चाइल्ड आर्टिस्ट? नहीं, ये हमारी पर्सनल शकीरा रिहाना सब कुछ है ये। है ना छोटा बीबी, है ना सब कुछ हो ना। ऋषि और लक्ष्मी के लिए काफी खुशी का दिन है क्योंकि अब पारो भी ओबेरॉय मेंशन में रहेगी। अब देखना होगा कि मलिश का कौन सी नई चाल चलती है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम भी तो लेकर आते ही हैं आप सबकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की बारिश। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से जाइए और वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।